शहर के लोग ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ चुनावी जो है सतरंगी में दिखाई देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब नहीं रहते। आप लोगों की राजनीति में कहीं ना कहीं जो है जनता पीती जा रही है, ये बोझ जनता के ऊपर पड़ रहा है। आप अपोजिशन में है तो आप भी सामने आइए ना। जरूरी नहीं है मीडिया में आए। आज जनता का आप बोल रहे 2.5 लाख बिल आया है तो आज यहाँ की पार्टी कहाँ है? इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में टोरेंट पावर द्वारा बढ़ाकर भेजे जा रहे बिजली बिल और बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी नेता रिदा रशीद, सिकंदर खान और भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कौसा स्थित बीजेपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता कुणाल पाटिल, बिलाल शेख, नाजिया तंबोली ने भी मेक कंपनी स्थित टोरेंट पावर के ऑफिस के पास विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि टोरेंट पावर शहर की जनता की बिजली बिल माफ करे, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास पैसे नहीं है तो जनता कहां से बिजली बिल भरेगी। वहीं टोरेंट पावर को लेकर बीजेपी और सत्ताधारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि टोरेंट इन्होंने लाया, मगर इन दोनों की राजनीति में मजबूर जनता को भुगतना पड़ रहा है। रिदा रशीद ने आगे टोरेंट के खिलाफ और भी विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है और लॉकडाउन के दरमियान के बिजली बिल टोरेंट पावर माफ करे, ऐसा बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है। आप लोगों की मांग है, किस लिए आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जो टोरंटो आई है, इन्हें आने के साथ जो बिल बढ़ाया है, एक तो लॉकडाउन में लोगों के पास रोजगार नहीं है। खास करके अगर मैं मुमरा की बात करूंगी तो मुमरा में पहले से रोजगार नहीं था। अब ये जो 3 महीने का लॉकडाउन में जो लोग बैठे हैं, इनके पास काम नहीं है और जो हिसाब से लाइट बिल बढ़ के आ रहा है, हमारी मांग है कि इनका माफ़ किया जाए। उसके जगह पे बढ़ के आ रहा है। और मुझे बताइए, यहाँ पर 24 घंटा लाइट मिलती नहीं है। इनका एक सीमित बिल होता है कि आप यूज़ करो ना करो, आपको ये बिल भरना है। एक तो वो तो बिल लेते ही है, इसके बाद भी इनको टाइम पे लाइट नहीं दिया जाता। और उसके बाद इनको जो लॉकडाउन में नुकसान हुआ है, लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर, उसके लिए हमारी मांग है कि इनका लाइट बिल माफ़ किया जाए और जितना भी इनको लॉकडाउन का टाइम पीरियड में जो टाइम गया है उसमें इनका लाइट बिल माफ़ किया जाए। टोरेंट पावर के खिलाफ पूरा शहर है, लेकिन यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो ऐसा आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जो है टोरेंट पावर को मुमरा में लाया है, जिसका जिम्मेदार बीजेपी है। अच्छा, यहाँ की सरकार किसकी है? बीजेपी ने लाया है। आपको पता है कि मैंने खुद ही, हम लोगों ने आंदोलन किया था टोरेंट के विरोध। हम खुद मंत्रालय में गए थे, हमने खुद कहा था टोरेंट नहीं चाहिए, इन्होंने खुद कहा था टोरेंट नहीं चाहिए। लेकिन आज तो सरकार इनकी है ना, ये बैंड करा सकते हैं, ये आज ये लोग रोक सकते हैं, आज ये बिल माफ़ करा सकते, तो क्यों नहीं कर रहे ये लोग? आज बीजेपी ने किया तो आज तो ये है ना बैठे हुए, आज तो ये है ना। बीजेपी को मालूम था कि अगर शहर विरोध कर रहा है तो फिर लाने का क्यों टोरेंट को? शहर विरोध कर रहा है तो आज भी तो विरोध कर रहा है ना, शहर आज भी विरोध कर रहा है। आज तो बीजेपी के टाइम विरोध कर रहा था तो बीजेपी इस पे ध्यान लगाए रखी थी, बीजेपी के खुद ही नेता ने कहा था मैं इस पे ध्यान रखूंगा। लेकिन आज तो ध्यान रखती तो फिर नहीं लाती ना टोरेंट, हमारे टाइम पे नहीं आया है टोरेंट, अभी इनके सरकार में लागू हुआ है, इनके सरकार में ये सब इनका काम चल रहा है, इनके सरकार में, इनके मुमरा में और जहाँ जहाँ टोरेंट आया है इनके सरकार में आया है, हमारे टाइम नहीं आया था। और इनकी सरकार है तो ये रोक सकते हैं, क्योंकि इनकी ही डायलॉग बाजी थी। लेकिन टोरेंट तो आने नहीं देंगे, पहले तो इन्होंने कहा था टोरेंट बहुत अच्छा है, फिर इन्होंने कहा टोरेंट नहीं आएगा, आज रोक दे। अच्छा ठीक है, आज रोक नहीं सकते हो ना, तो पब्लिक तो इतने 3 महीने से जो तकलीफ में है, माफ़ करा दे बिल। रोक नहीं सकते हैं तो माफ़ करा दे। हमारी मांग यही है, जो लॉकडाउन से पब्लिक गुजरी है, रोज़गार नहीं है मुमरा में, ऐसे ही रोज़गार नहीं है, तो मेरी मांग यही है, हमारी पार्टी की मांग यही है कि टोरेंट इस बार ये बिल माफ़। आप कह रही सत्ताधारी पार्टी टोरेंट लाने की जिम्मेदार है, सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि बीजेपी इसके जिम्मेदार है। आप लोगों की राजनीति में कहीं ना कहीं जो है जनता पीती जा रही है, ये बोझ जनता के ऊपर पड़ रहा है। 2 लाख 2.5 लाख बिल आ रहा है जनता का, तो क्या आप लोगों की सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं आप लोग टोरेंट के नाम पर, और जनता को बिल भेजा जा रहा है 2.5 लाख 2 लाख? यहाँ की जनता जानती है कौन कंपनी कैसे लाता है, यहाँ की जनता अच्छे से जानती है और अभी तो जान चुकी है। जो लॉकडाउन के टाइम पे यहाँ के लोग खड़े नहीं हुए, यहाँ की पार्टी खड़े नहीं हुई, तो हमारा तो बोल ही नहीं सकती यहाँ की जनता।
क्योंकि यहाँ की पार्टी पहला विरोध करती है, फिर उसको लाती है, फिर घर में घुस के बैठ जाती है, जनता के साथ के लिए उतरती नहीं है। आज जनता का आप बोल रहे हो 2.5 लाख बिल आया है, तो आज यहाँ की पार्टी कहाँ है साथ देने वाली और विरोध देने करने वाली? आप अपोजिशन में है तो आप भी सामने आइए ना। आई हूँ ना, हम हमेशा आई है। लास्ट टाइम भी लोग ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ चुनावी जो है सतरंगी में दिखाई देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर अचानक कोई मुद्दा मिला कभी तो आ गए, नहीं तो गायब ही रहते। देखिए गायब नहीं रहते, काम करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनको वीडियो पे आना या फिर न्यूज में आना बहुत अच्छा लगता है। 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला करते हैं, लेकिन हम लोग ग्राउंड में काम करते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको फेसबुक से यहाँ से वहाँ से मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है मीडिया में आए, ज़रूरी है काम करना, और हम हमारा काम अच्छे से करते हैं। खाली इतना है कि जो चीज़ जिस तरीके से करना पड़ता है वो चीज़ उस तरीके से करते हैं। हमें लगा आंदोलन अभी करना पड़ेगा, हम आंदोलन के लिए उतरे हैं और आगे भी ये आंदोलन जारी रखें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।